हे दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आपका स्वागत है मेरी चैनल पर। आज मैं रिव्यू देने जा रही हूँ रोज़ वाटर की। रिव्यू देने से पहले मैं आपको बता देती हूँ रोज़ वाटर की बेनिफिट्स और किस किस तरह आप अपने चेहरे पर रोज़ वाटर लगा सकते हो। देखिए, रोज़ वाटर आपका चेहरा किसी भी स्किन टाइप पे हो, चाहे आपका स्किन ऑयली हो, नॉर्मल हो, सेंसिटिव हो, जो भी हो आपका स्किन, किसी भी स्किन टाइप पे रोज़ वाटर सूट होता है। और दूसरी अच्छी बात यही है कि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब मैं बता देती हूँ आपको किस किस तरह आप अपने चेहरे पर रोज़ वाटर लगा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोज़ वाटर आप एज अ क्लिंजर यूज़ कर सकते हो। एक कॉटन पैड में 2 या 3 बूंद रोज़ वाटर लो और उस कॉटन पैड को अपने चेहरे पर अच्छे से रब करो। तुरंत ही बाद आप देखेंगे कि आपकी चेहरे पर जो डर्ट है वो कॉटन पैड में आ गई है। और सेकेंड जो है, आप एज अ टोनर भी रोज़ वाटर को यूज़ कर सकते हो। हमारा स्किन को अच्छे देखने के लिए, प्रॉब्लम फ्री देखने के लिए थ्री मेन प्रोसेस की बहुत ज़रूरी होता है। वो है क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग की। तो टोनिंग का पार्ट हम कभी कभी स्किप कर देते हैं या टोनर हमारे पास हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आप रोज़ वाटर को एज अ टोनर लगा सकते हो। फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद रात को सोने से पहले 2 या 3 बूंद अपने हाथों पे रोज़ वाटर लो और अपने चेहरे को अच्छे से लगा दो, और उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लो। तो तुरंत ही आप देखेंगे कि आपका चेहरा जो है सुबह उठ के बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और एक अलग ही ग्लो आएगा अपने चेहरे पर। और थर्ड जो है, आप रोज़ वाटर को ऐसा मॉइस्चराइजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करते हो उसमें 2 या 3 बूंद रोज़ वाटर लो और उस रोज़ वाटर को उस मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ जो रोज़ वाटर आप लेके जो पैक बनाया है वो अपने चेहरे पर लगा लो। इस केस में क्या करता है रोज़ वाटर, रोज़ वाटर में जो नेचुरल ऑयल है, नेचुरल जो ऑयल होता है वो आपके जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम में जो कोकोनट ऑयल है उसको अच्छी तरह से ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने के बाद आपके चेहरे पर एक नेचुरली ग्लो आ जाता है। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही तो गया होगा कि मैं पतंजलि की इस दिव्या गुलाब जल की रिव्यू देने जा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तो पैकेजिंग तो देख ही रहे हैं, एक प्लास्टिक की बोतल में है और इसकी जो क्वांटिटी है ये 200 ml है और इसकी जो प्राइस है 28 rupees है। तो ये आपका आराम से 2 या 3 महीना तो चली जाएगा। ये मुझे 2 महीना तो अच्छे से चला गया है, ये मेरा 3रा महीना है। लगता तो है क्वांटिटी देख कर कि इस मंथ भी इसको मतलब ये चल जाएगा मेरा। तो ऐसा रिव्यू में आपको बता देती हूँ कि ये क्लेम करता है कि ये आपका स्किन का सारा ड्राइनेस ख़त्म कर देगा और आपके जो ये इनफैक्ट आँखों के लिए भी अच्छा है, ऐसा इसमें क्लेम किया है। और ये 100% गुलाब जल है। मैंने काफ़ी सारा गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर यूज़ किया था, बट ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। इसका बेस्ट पार्ट यही लगा मुझे कि आप अगर टोनर की जगह इसे यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज अ टोनर। मैं इसे एज अ टोनर ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और आप देखेंगे दो ही चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी एज अ टोनर। तो आप जब फेस वॉश के बाद आप इसको लगाएंगे एज अ टोनर तो देखेंगे कि तुरंत ही बाद आपका स्किन जो है टाइटन हो गया है। और फेस वॉश करने के बाद हमारे स्किन में जो ड्राइनेस आ जाता है वो ड्राइनेस थोड़ा बहुत जो इची ने मतलब स्टिचनेस आ जाता है, मतलब थोड़ा ड्राइनेस आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा ये ठीक करता है और आपके चेहरे का थोड़ा बहुत ग्लो भी ले आता है इस गुलाब जल। मैंने डाबर का भी गुलाब जल यूज़ किया था पर मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा जितना ये अच्छा लगा है। ये इनफैक्ट इतना अच्छा है कि आप इसको एज अ आई क्लिंजर हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। आपके अगर आँखों में जलन हो रही है या फिर आँखों के नीचे सूजन आ गया है तो आप एक आपका हाथ में थोड़ा बहुत 1 या 2 बूंद रोज़ वाटर लो और इसको लगाओ, तो देखेंगे कि आपका आँखों के नीचे जो सूजन है वो थोड़ा सा कम हो गया है। और एज अ आई क्लिंजर आप यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि आपके आँखों में बहुत ही ज़्यादा ठंडक आ जाएगा। तो यही रही ओवरऑल मेरा आज का रिव्यू।
तो अगर मेरा इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। थैंक यू।